Assalamualaikum guys, तो भाई आज हमारा एक्सपीरियंस है सुजुकी का। मेरे भाई लोग बोलते हैं कि भाई सुजुकी में जो ना बहुत कमाई है और सुजुकी ले लो भाई, यहाँ पर सुजुकी आपको पता है इस वक्त जो ना राइट सुजुकी ने कितने की है भाई जीरोमीटर? भाई जीरोमीटर 13-14 लाख रुपए की है। 13-14 लाख रुपए की जीरोमीटर सुजुकी है। जीरोमीटर 18 लाख रुपए की है। 22 लाख रुपए की भाई। अच्छा हमको सिखा रहा है भाई, हमें तो रेट भी नहीं पता है। 22 लाख रुपए की भाई रेट इतने हाई फाई हो गए, मुझे क्या पता भाई। ये तो अभी समरेश भाई बता रहे 22 लाख रुपए, इसमें तो मैं गरीब बंदा कहाँ जाए, क्या कचरा चुने चोरी करे। मैं जरा इनको बताता हूँ भाई, 22 लाख रुपए की गाड़ी है और अभी आप लोगों ने सुजुकी देखी नहीं है किस तरह की सुजुकी और क्या हालत हुई है सुजुकी की। हम लोगों ने जो ना किसी की सुजुकी उठाई है, ठीक है, सुजुकी उठा के हम लोगों ने सोचा क्या कि एक्सपेरिमेंट करेंगे यार क्या कमाई है क्या नहीं कमाई है भाई। यहाँ से हमें जेल चुरंगी से हमें जाना है जोड़िया बाजार। भाड़ा कितना मांगा राहिल आपने? भाई भाड़ा मैंने 3,000 रुपए मांगे थे, ठीक है। शमेश भाई ने बोला कि मैं 1500 रुपए दूंगा। 1500 रुपए सही है? तो मैंने बोला नहीं 2000 रुपए दे दो। इसने बोला अब मैं 1200 दूंगा, फिर मैंने बोला 1500 ही सही है भाई हमें। अच्छा 1000 रुपए की हमने डलवाई गैस, ठीक है, ठीक है, बाकी बचे मैं 500 रुपए, ठीक है। अब वो उसको अब देख लेना कि क्या करेंगे हम उसको। तो भाई अब मैं आपको छोटी सी एक बात करना चाहूंगा यार, सुजुकी 22 लाख रुपए की सुजुकी, यहाँ से जोड़िया बाजार तक का सफर डायरेक्ट, यहाँ से हम लोग गए सीएनजी पे, 1000 रुपए की डलवाई है गाड़ी में एलपीजी, एलपीजी डलवाने के बाद अब 2000 रुपए का भाड़ा है, समझ रहे हैं ना, 2000 रुपए का भाड़ा। 1000 रुपए गए इसमें, अल्लाह ना करे रोड पे बेंच और ट्रैफिक वाले मिले, पंचर हो जाए 100 मसले मसाइले गाड़ी लेकर जा रहे हैं और 1000 रुपए के लिए, और दो बंदे बैठे हुए इधर, एक मैं भी हूँ भाई, मेरी भी इसमें हिस्सा है, ठीक है, वो भाई है वो जो गाड़ी चला रहा है उसका हिस्सा है गाड़ी का। तो आप बताएं इसमें कहाँ सुजुकी वाले कमा रहे हैं और क्या हो रहा है? रश इतना होता है वहाँ, पहले तो ये बताएं आप। थोड़ा रश दिखाएं भाई। ये गलियाँ तो देखो यार, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, इन छोटी छोटी गलियों में से माल उठाना बच्चे हैं भाई, ये गाड़ी है बड़ी। इस मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, 22 लाख रुपए की गाड़ी लेकर बंदा रुल रुल के एक बार में अगर कमाता है हाथ बार, एक एक बंदे को घुमा के भाई 300-400-600-700 बचते होंगे यार, रुल रुल के पसीना। अभी भाई खाली है सुजुकी, मैं आप बोलूं कि भरा हुआ, अभी माल भरना है इसमें, लोड करना है, मैं लोड करूंगा वो लोड करेगा भाई, बंदे बैठा है। पूछे ये क्या किया तो भाई, अब मैं तो नहीं समझ सकता, हमारे मालिक सुरेश भाई। चले अभी अब दिखाते हैं आपको, माल भी दिखाते हैं थोड़ा, जो माल हम लोग लोड कर रहे हैं वो माल भी दिखाते हैं आपको। तो भाई लोग बात ये भाई, थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जहाँ एलपीजी डलवाने गए ना, वहाँ सीन ये हुआ कि भाई मैं वहाँ एलपीजी डलवाने के चक्कर में हमारी चप्पलें वहीं रह गई हैं। तो मैं आपको बताने इच्छा रहा था कि यार ऐसे बहुत से सीन होते होंगे यार सुजुकी वालों के साथ, कुछ भी नुकसान हो जाता होगा भाई, जानलेवा भी हो जाते हैं नुकसान भाई, सुजुकी ठुक भी जाती है आपको पता है। ये तो मेरा छोटा सा नुकसान हुआ चप्पल का भाई, राहिल चप्पल का नुकसान हुआ है, हंसने की बात है हमारी तो यार, हमारा तो न्यू एक्सपीरियंस था, मैंने बोले देखो सर भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन यार मैं तो अभी ये कार्टन उठाए, हम लोगों ने इतने कार्टन उठाए, तकलीफ हुई यार, इस तकलीफ में हम लोग फिर गए, फिर आना, अभी हम लोग गए नहीं है भाई, हम लोग वापसी हैं, कार्टन वार्टन डाल के माल यहीं रखा हुआ है मेरे को, चप्पल मैंने बोला अभी यार चप्पल है नहीं, नंगे पाँव सारे कार्टन उठाए हैं, तकलीफ तो हुई आप लोगों को भी पता, तकलीफ किसको नहीं होती है, तकलीफ भाई इस जो सुजुकी चला रहा है उसको बहुत तकलीफ होती है, मैंने ये देख लिया भाई, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना भाई, बहुत मेहनत लगती है। तो बराए मेहरबानी जो सुजुकी वाले होते हैं उनका ख्याल किया करें, ऐसा नहीं है कि वो लाखों हज़ारों रुपये लेके जाते हैं, कुछ नहीं है भाई, तकलीफ है उनकी, सुजुकी का काम है। अब मैं आपको ज़रा सुजुकी की हालत दिखा दूँ, सुजुकी की आप हालत देखेंगे आप खुद बोलेंगे कि यार वाकई में ये सुजुकी की हालत, ये हालत देखें, और इस बात से महसूस होता है कि भाई गरीब जो ना कितने जो ना तकलीफ में बंदा रोजी करता है। राहिल तुम बताओ क्या बताऊँ, यही बता सकता हूँ कि भाई न्यू जीरो मीटर सुजुकी 22 लाख रुपए की है, अभी इस वक्त इस हालत में कमर्शियल गाड़ी मेरे हिसाब से तो 10-9 लाख रुपए की गाड़ी है, इसमें हम गैस भी डलवाएं, मजदूरी भी करें, कार्टन भी उठवाएं, चप्पल भी भूल जाते हैं, कभी कभी तो खाना भी भूल जाते हैं हमें यार, हमारी पसीने पसीने खाने से याद है सबर। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है भाई ये देख ले 4:54 हो रहे हैं और खाना नहीं खाया भाई हम लोगों ने, अभी लोग कहते हैं कि ये कमा रहे हैं सुजुकी वाले, यार क्या कमा, खाना नहीं खाया भाई, क्या हमारा क्या, तो आप एहसास किया करें यार, हमें कोई गवर्नमेंट प्रोटोकॉल कर रही है क्या, हमें खुद करना पड़ता है हर चीज, खुद करना पड़ता है यार। भाई बोल रहे हैं कि भाई गायों का सीजन आया हुआ, गाय का माल उठेगा, ये होगा भाई, घंटा कुछ नहीं हुआ है घंटा, मैं हमारी ये सुजुकी है भाई, ये सुजुकी में मैंने क्या उठाया है,
गाय उठा रहा भाई? भाई नहीं उठा रहा हूँ, खड़ी हुई है रोज घर के पास, खड़ी हुई है, काम ही नहीं है, काम धंधा ही नहीं है। नहीं, अगर आप काम पे निकलते हो तो किराए वाले क्या बोलते हैं? बोलते हैं अबे यार ये इतने में उठ जाएगी, अबे यार तुम तो लाखों रुपए कमाने वाले हो, हम तो नहीं। छोटी सी मैं एक बात करना चाहूंगा यार, लाखों रुपए का जानवर खरीदा जा रहा है यार, और उसके हजार रुपए सुजुकी वालों को क्या इतना भी हक नहीं यार? 7-8 हजार वो नहीं सोचते, वो सोचते कि बस 500 में काम हो जाए। यार ऐसा नहीं होता यार, वो इंसान यार नहीं क्या? आप 3-4 लाख रुपए गायों को मैं दे सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए आप गाय में दे सकते हो, आप 8,000 रुपए या सुजुकी वाले को नहीं दे सकते यार? थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ी सी इंसानियत रखो। बाकी मैं नहीं कहता भाई हर इंसान एक जैसा है, लेकिन आप जहाँ इतना कुर्बानी में दे सकते हो तो वहाँ थोड़ा सा और। आजकल तो स्टार्टिंग जानवर 4 लाख से है, 4 लाख से स्टार्ट है। अब सोच अच्छा हमको सिखा रहा है क्यों? अब वो सुजुकी वाले को आप 7,000 रुपए नहीं दे रहे हो यार, बहुत अफसोस की बात है यार, शर्म आना चाहिए यार। 4 लाख का जानवर ले रहे हैं, उसमें 7,000 रुपए रोने लग गए यार, वो सुजुकी वाला इंसान नहीं है क्या? नादन भाई पास उधर मंडी में जाते हैं, सारा सारी रात सा घर बार छोड़ के उधर खड़े हुए हैं, पता नहीं खाया नहीं खाया, उनके बच्चों ने कुछ दूध लिया नहीं लिया, लोग सोचते ही नहीं है, कॉमन सेंस ही नहीं लोगों में, बस लोग अपना सोचते हैं, अपना मुफाद अपना फ़ायदा सोचते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हमारे मुसलमान भाइयों को, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन की हिफाजत अता फरमाए। आमीन आमीन। तो भाई लोग अभी बस ये आपको जो ना थोड़ी सी बात कहनी थी कि भाई ख्याल किया करो, जहाँ वो लोग 7-8 दस, मैं नहीं बोलता कि यार आप उनसे कम ना कराएं पैसे, आप उनसे ये ना करें कि आप इतने नहीं करो उतने, कराओ कम, लेकिन भाई जब वो भाड़ा छोड़ देना तो 500,000 एक्स्ट्रा ऊपर दे दो, पाए लो यार गरीबों की, वो बेचारा सारी रात खड़ा रहा है। बस यही आपको पैगाम पहुंचाना था, बाकी के लिए अल्लाह हाफिज़ हो गया, ख्याल रखें अपना, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।